हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज का दिन है संडे और सुबह की बज रही हैं 10। और मैंने बच्चों को बोला कि अपने बुक्स वगैरह पैक कर बताना, मतलब मेरी मम्मी कितनी अच्छी है। सारी वो बंद करके सारी किताबें। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी किचन में फ्रेंड्स। और आज मैं बना रही हूँ पनीर की स्पेशल डिश, जो मैं बनाती ही रहती हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर की सब्जी, ये हम लोग नॉर्मली सब खाते ही हैं, लगभग सभी लोग बनाते हैं और खाते हैं, और सबको नॉर्मली पता भी होता है कि शाही पनीर कैसे बनता है। तो उसमें प्याज, लहसुन, अदरक और जितने भी मसाले होते हैं फ्रेंड्स, वो सब मिक्सचर में मैंने पीसे, और उसमें लगभग मैंने 8 से 10 काजू उसमें डाले हैं, और उसका मसाला मैंने बना दिया है फ्रेंड्स। तो वो शाही पनीर का जो मसाला है वो मेरी कढ़ाई में अभी पक रहा है, और इस तरफ मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है, और ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद मैं जीरा डाल दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन रहा है मेरा शाही पनीर। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है फ्रेंड्स, और ये थोड़ा थिक ही अच्छा लगता है, थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। और इस वाले पैन में मैंने डाल दिया है जीरा, और उधर शाही पनीर जो बन रहा है उसमें मैंने पनीर के पीसेस डाल दिए हैं फ्रेंड्स। और ये बहुत ज़्यादा थिक भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी डालूंगी, और साथ में नमक मिर्च मसाला वापस से मैंने डाला है, ताकि पानी डालने के बाद इसका टेस्ट जैसे का तैसा बना रहे। और अब मैं इसको ढक लूँगी और गैस को सिम कर लूँगी फ्रेंड्स। इधर मैंने प्याज डाल दिया है, और हरा प्याज भी मैंने काटा है फ्रेंड्स, प्लस प्याज भी काटा है, शिमला मिर्च और कैबेज, ये सारी चीज़ें मैंने काटी हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसमें सारी चीज़ें धीरे धीरे भून लूँगी। और शिमला मिर्च भी डाला है, और कैबेज मैं अब डाल लूँगी, और इसको भून लूँगी अब अच्छे से। और फिर उसके बाद मैं इसमें हरा प्याज लास्ट में डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि हरा प्याज बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है नमक में, इसलिए। अब मैंने सारी सब्जियां इसमें डाल दी हैं फ्रेंड्स पैन में, और इसमें मैंने थोड़ा सा मसाला डाला है, वो भी मैंने फ्राइड राइस का मसाला डाला है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें मुझे टेस्ट अच्छा लगता है, तो मैंने वही डाल दिया, और वही मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो आप कोई सा भी मसाला डाल सकते हैं फ्रेंड्स, आपके पास अगर सब्जी मसाला भी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और सारा मैंने सब्जी भून लिए हैं, तो अब मैं पनीर डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी फ्रेंड्स।
और जब मैंने सब्जी भुनी तो इसमें मैंने थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा सोया सॉस भी मैंने डाला इसमें। जो विनेगर और सोया सॉस है इससे थोड़ा टेस्ट अलग आ जाता है, तो इसलिए मैं इसमें डालती हूँ। जब भी मैं ये फ्राई वाली बनाती हूँ सूखी पनीर की, तो ये मैं ज़रूर डालती हूँ फ्रेंड्स, इससे थोड़ा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शाही पनीर भी लगभग तैयार हो चुका है बनके, और अब मैंने गैस बंद कर दिया है। और इधर अभी और इधर भी मेरी स्पेशल जो डिश मैंने पनीर की बनाई है फ्रेंड्स, वो भी लगभग तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी पनीर की स्पेशल डिश, साथ में मैंने शाही पनीर भी बनाया है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये डिश पसंद आई होगी, और आगे भी मैं इसी तरह की नई नई डिश आपके सामने लेके आऊँगी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।